हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है सुजाता की रसोई से में। आज हम बनाएंगे नारियल का हलवा जो बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक लीटर हमने ये मिल्क लिया है, फुल क्रीम मिल्क है। इसमें से हमने थोड़ा निकाल लिया है, एक के करीब। और ये एक नारियल लिया है, हमने इसके काले हिस्से को निकाल दिया है। पानी वाला नारियल लेना है, ये पिस्ता है और ये बादाम है और ये काजू है। इनको हमने रफली काट लिया है। ये 200 ग्राम चीनी है और ये इलायची पाउडर और 1 कप देसी घी। चलिए शुरू करते हैं। इसको हमें बारीक बारीक काटना है, इस तरह से इसके पीस काट लेंगे तो इसको पीसने में आसानी रहेगी। इसको दूध के साथ पीसना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर पीसना है। इसका बारीक पेस्ट बनाना है। ये हमने पीस लिया है, इसको दूध के साथ ही पीसें और बारीक बनाना है पेस्ट। हमने कढ़ाई गरम कर ली है, अब ये पेस्ट को हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखिए अभी। जो हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया था, अब उसको हमें पूरा डालना है इसमें। इसको पूरा डाल दीजिए। और अब इसे हमें अच्छी तरह मिलाना है, इसको लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है बीच में 1 मिनट के लिए भी, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। दूध को हमें सुखाना है, इसलिए इसको मीडियम आंच में ही पकाना है इसको। इसको दूध को सुखाने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। अब देखिए ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, अभी हमें इसे और चलाना है, चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चलाते रहना है ताकि चिपके नहीं। अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है क्योंकि अभी इसमें मॉइस्चर है, दूध है अभी काफी, इसको सुखाना है बिल्कुल। अभी काफी सूख चुका है, फ्लेम को मीडियम ही रखना है अभी। थोड़ा ध्यान से करिए, इसकी छींटे भी थोड़ा उड़ती हैं। अभी हमारा होने वाला है बिल्कुल,
अब इसमें हमें 1 कप घी डालना है, देसी घी। अब इसी को हमको 6-7 मिनट तक अच्छी तरह ऐसे ही चलाना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इस टाइम पे फ्लेम को आप लो कर दीजिए। अभी घी भी हमारा लग गया है इसमें। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। ये 200 ग्राम चीनी ली है, आप जितना मीठा खाना चाहें उस हिसाब से ले सकते हो। इसे हमें 5 मिनट तक ऐसे ही हिलाना है। चीनी भी हमारी पिघल जाएगी। इसको भी लगातार चलाना है, लगातार। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी मेहनत तो है लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसे आप जरूर बनाइए, बहुत ही इसका स्वाद ही अलग आता है निखर कर। अब हमने गैस बंद कर दी है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला है हमने, और इसको भी खूब अच्छी तरह मिला लेंगे। इस टाइम गैस हम बंद कर दिए। इसकी सुगंध बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर हमारा ये तैयार हो रहा है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, पिस्ता, बादाम, काजू। अब इनको अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इस सर्विंग बाउल में निकालने के लिए तैयार है। यह हलवा हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऊपर से और ड्राई फ्रूट्स और डाल देंगे। आप किसी त्यौहार पे बना सकते हैं, जैसे रक्षाबंधन आ रही है, आप उसमें ये भी बना सकते हैं हलवा। बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम काजू भी डाल देंगे इसमें। ये हमारा नारियल का हलवा बन के तैयार है। फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर बनाइए किसी भी तीज त्यौहार पर, खाइए और अपने घर में खिलाइए। और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए कि आपको हमारा हलवा कैसा लगा। अब प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।